मलपुरा क्षेत्र के धनौली क्षेत्र में चुनावों को लेकर जगह जगह जोरदार चल रहा प्रदर्शन। ऐसा ही वाक्य एक धनौली में राजू प्रधान का देखने को मिला। धनौली क्षेत्र के लोगों ने राजू प्रधान के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हुए, मानो ऐसा लग रहा है धनौली क्षेत्र में राजू प्रधान ही जीत गया हो। लोगों के चेहरे पर खुशी का माहौल है और राजू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा राजू भैया जीतेगा। राजू प्रधान का भी यह कहना है कि मुझे क्षेत्रवासियों का स्नेह प्यार और इज्जत मिल रही है, अगर यही स्नेह प्यार और इज्जत मिलती रही तो मैं पक्का प्रधान बन जाऊंगा। मलपुरा से संजय प्रजापति की रिपोर्ट। नगला हनुमान में, नगला हनुमान में जनता जनार्दन के द्वारा भव्य स्वागत किया गया है और अपार स्नेह और प्यार जनता का उमड़ उमड़ करके आ रहा है। आप सब देख ही रहे हैं, लोगों का हुजूम इस बात को दर्शाता है कि कितना प्रेम और स्नेह लोगों के दिलों में बसता है राजू प्रधान के लिए। मैं आभारी हूँ धनौली की जनता जनार्दन का, जिन्होंने इतना प्रेम प्यार आज तक इस प्रधान परिवार को दिया है। मैं तहे दिल से इस धनौली की समस्त सरदारी का नमन करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी समस्त सरदारी को यही संदेश देना चाहता हूं, शांतिपूर्वक चुनाव लड़ें, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें और गांव में जो भाईचारे की एक मिसाल है वो हमेशा के लिए कायम रहे और मैं अपनी अंतिम सांस तक इस भाईचारे को कायम रखूंगा। आज कहाँ कहाँ स्वागत हुए और कहाँ कहाँ बता रहे हैं? नगला हनुमान 11 नंबर वार्ड से आज जनता द्वारा अपार स्नेह और प्यार जो दिया गया है प्रधान परिवार के लिए, खुले मंच से उन्होंने समर्थन किया है। हम जनता के लिए बहुत ही आभारी हैं जिन्होंने इस गरीब में आज भी गांव के सामंजस्य को बनाए रखा है और पूर्ण तरीके से विजय की ओर आकर्षण है। 2010 में 8422 मतों से जिता करके प्रदेश में लकीर खींची थी, 2020 में ये रिकॉर्ड देश लेवल पर जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे जनता? मैं समस्त जनता से यही अनुरोध करूंगा, शांत प्रिय तरीके से अपना प्रचार प्रसार करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें और 15 तारीख को प्रधान परिवार के पक्ष पर मतदान कर करके अपना आशीर्वाद। I'm sorry.